स्टार्ट हो। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। ए, यह विधि मितव्ययी नहीं है। बी, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। सी ऑप्शन, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। उपर्युक्त सभी, तो इसमें उपर्युक्त सभी। अरे यहाँ से इस पे जाके ब्रश पे ठीक। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा, ए ऑप्शन, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। बी ऑप्शन, किसी स्थान का आजीवी घटक। सी ऑप्शन, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। डी ऑप्शन, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। कौन सा सही है? डी ऑप्शन करेक्ट। करेक्ट सही है। तुम्हें बताया, हमको बता। चलो ठीक। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है शरीर को अच्छी प्रकार का आधार देना, शरीर का भार कम होना। सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। डी, अधिक तेज चाल। मैं बताओ। सी आंसर, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने वाला सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? मानव को अच्छी तरह से आधार देना, शरीर का भार कम होना। ये तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है। यही तो है। कौन? सी वाला। अच्छा, क्या है? सी वाला। ए और सी में इसको सी वाला सही लग रहा है। सी वाला ए भी हो सकता है। चौथा है, तीसरा ना। सी वाला सही। सी वाला एकदम करेक्ट है। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ए फिजियोग्राफ, बी सिस्मोग्राफ, डी कार्डियोग्राफ, डी बैरोग्राफ। तो इसमें सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एकदम मेरा सही है। तो सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। बिना सम्मान जनार्दन इसमें कर सकते हैं ना? एकदम कर सकते हो। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल। कौन सा मंगल? क्या है? दूर है। दूर है। और शुक्र? शुक्र बुध के बगल में। अब बृहस्पति? मंगल के बाद में। अपना बुध? बुध सबसे पहले है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह। चार के बारे में जानकारी ले लो। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी महाराष्ट्र में। इसमें सही ऑप्शन है डी, गुजरात में। एकदम करेक्ट। करेक्ट जाओ देख लें। छठा मक्का करेक्ट। छठा हमसे प्रश्न करना। छठा मक्का है। सही है। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। एकदम करेक्ट। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रकाशक के रूप में होता है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा बड़ा थोड़ा सा यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर है, यह विधि बाल केंद्रित है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। नहीं है? एक मिनट। हाँ, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन देखो। यह विधि सर्वेक्षण है कैसे? बड़ा हुआ कैसा भी बाकी कुछ। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। यह डी नहीं है। क्या चीज? यह सी वाला सही है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षण एक प्रकाशक के रूप में होता है। ठीक मारो। सी सही। ठीक मारो। सी वाला सही है।
छठवां ना, सातवां, सातवां अक्षर सही है। फिर आठवां क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण, पर्यावरण में, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है, ए लक्ष्य केंद्रित विधि, बी सृजनात्मक विधि, डी चयनात्मक विधि, उपर्युक्त सभी। ए गलत बोले यार, डी से पढ़ो। ए ए लक्ष्य केंद्रित विधि, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है, ए लक्ष्य केंद्रित विधि, बी सर्वजनात्मक विधि, सी चंद्रयात्मक विधि, डी उपयुक्त में से सभी। बताओ क्वेश्चन कौन सा सही, बताओ आंसर कौन सा सही है? सर्जनात्मक विधि करेक्ट। अथवा डी, अरे यार उपयुक्त में से सही सभी है। सही है सभी। चलो हमारे ध्यान में सरच रहा था यार। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, ए जीव भू रासायनिक चक्र, बी भूवैज्ञानिक चक्र, सी रासायनिक चक्र, डी इनमें से कोई नहीं। परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है भूवैज्ञानिक चक्र, यही है। मेरा तो लग रहा है जीव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, यही सही है। हैं ये सही है, ये वाला रुक जाओ देख ले लूंगा। नौ को सही है, टिक लगाओ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सीधे जाओ। हाँ भैया, हाँ भैया, अरे भैया चिपको आंदोलन के प्रणेता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता है, प्रेरणा। आप सुनो, बोल दो सही रहेगा ना। ए हेमवती नंदन बहुगुड़ा, बी सुंदरलाल बहुगुड़ा, सी मदर टेरेसा, डी महात्मा गांधी। सुंदरलाल बहुगुड़ा, बी ऑप्शन सही, सुंदरलाल बहुगुड़ा। हाँ टिक मारो, थोड़ा सा टिक मारो ना, तो इधर से थोड़ा सा ध्यान दे लो कि हाँ इधर जो ऑप्शन आ रहा है इधर भी ग्रीन कलर, तब सही रहे। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, विटामिन, ए विटामिन, ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी वसा, डी कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन की विटामिन प्रोटीन वसा, सी बी लग रहा है, हमारा सी लग रहा है। ग्रामा देख ले, ग्रामा ठीक है। 11 का बी, बी सही यार, प्रोटीन को है। तो मारो टिक लगाओ, ठीक है लो, ठीक है लग गया, काटो अभी इधर चलो। इधर इधर रहते, बोले बोलो। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मूल शीर्ष में, पराग कण में, तने में, पराग कोष में। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मूल शीर्ष में, पराग कण में, तने में, पराग कोष में। डी ऑप्शन सही, पराग कोष में। डी ऑप्शन सही है, बराबर का डी, ग्राउंड डी सही है। तेरा जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, ए मांसाहारी, बी सर्वाहारी, सी शाकाहारी, डी ड्रेटिवो। सी ऑप्शन सही, शाकाहारी। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली औषधि है, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल सही, ये तो दर्द की दवा भी है पैरासीटामोल, अगर दर्द उर्द हो तो पैरासीटामोल उस पर लिखा रहता है। राम से राम से, दही के नहीं क्या है, कटल है ना दरिया भी तरह, सही से खिंचालना लोग कट गला। बोलो क्वेश्चन है। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी है? एस्परलिजल, स्प्रैक्टो, सी रेटोवायरस। फिर से क्वेश्चन पढ़ो। 15 दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायित्व उत्तरदायी है? ए ऑप्शन एस्परजिल,
बी स्ट्रेप को, सी कोकस रेट्रोवायरस, डी लैक्टोबैसिलस। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, लैक्टोबैसिलस। हाँ लैक्टो लैक्टो सही है। मानव रुधिर वर्ग की सर्वप्रथम खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए लैंडस्टीनर, बी जैगनिस, सी पैंटिन एवं मास्ट, डी कार्ल मार्क्स। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। क्या क्वेश्चन है? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टीनर। फिर 17 ऑप्शन प्याज आलू अदरक है। प्याज आलू अदरक क्या है मतलब, यह ना ए जड़, बी तना, सी अपस्थानिक जड़ें, डी सल्क पत्र। हम बताएं तना है। ठीक सही है। अरे यार तो इधर से पहले 16-17 था, इधर से पहले जब ये हो जाए नीचे तब इधर को ट्रिक लगेगा तना। अब यहाँ से कट, हाँ अरे पूरा कट गया है। पढ़ लेंगे। एक कोश की सूक्ष्म जीव है? ए साइरोगायरा, बी विषाणु, सी पैरामीशियम, डी हाइड्रोजन। एक कोश की जीव है पैरामीशियम। पैरामीशियम एक मिनट देख लें दो 18 सही है। सी है सही है पैरामीशियम। अब इधर से ना तो कहाँ ऊपर चले गए थे क्या? नहीं है ये है ना 14 चाहिए ना, कौन सा वाला है? 18-19 है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? ए रुद्राक्ष, बी रीठा, सी तेंदु, डी उपरोक्त सभी। रीठा। बी ऑप्शन रीठा सही है। देख लो बी 19 का बी एक पढ़ ले रहे नहीं ना 10 में मालूम पड़ता। पढ़ो। निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ए ऑप्शन डीजल, बी पेट्रोल, सी द्रवित पेट्रोलियम गैस, डी स्पीडित प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम, संपीड़न प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस डी। डी रुको देखें एक मिनट 20वां का 20वां डी सही यार। मारो मारो ठीक ऐसे में क्या बोल रहे चलो चलता है गैस अब ना भी कुछ मस्त मैं तो मस्ती है सारे का। गैसी अवशिष्ट है? ए सब्जी एवं फलों के छिलके, बी घरों की नालियों का गंदा पानी, सी खेत खलियानों से निकलने वाला धुआं, डी लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो गैसी अवशिष्ट है डी। लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं गैसी अवशिष्ट है सही है। तो कल्याण घरों से निकल रहा है सही। 21 कड़ी सही। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? ए बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बी बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, सी फली द्वारा प्रकीर्णित पौधे, डी कायिक जनन द्वारा वितरित प्रसारित होते हैं। कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? बीजाणु द्वारा ये तो गलत हो गया, बीज द्वारा, फली द्वारा, काई जनन द्वारा, ये तो ना फली द्वारा हो सका था। फली द्वारा कौन सा ऑप्शन था? ठीक सी सही है। तो हम भी देख लें 22 बस सही है। ऑप्शन कट गया ऊपर दे लो ना पढ़ लो। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है? अरे ये ना ये परजीवी, बी सहभोजी, सी मृतोपजीवी, डी सहजीवी। कौन सा क्वेश्चन फिर से देख पड़ी है? ये तो है कौन क्वेश्चन है ना इंसुली एक कोशिश सूक्ष्म जीव है ये ना। नहीं नहीं ये तो नहीं
ये है ना, जब एक जीव लाभ लेता है तो बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। क्वेश्चन वो देख लो फिर से आपका। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, मतलब सहवासी मतलब संभोग बिना किए ना, यही ना। नहीं अरे रुको, हम परजीवी परजीवी सहभोजी मृदोपजीवी सहजीवी सहजीवी लग रहा है। तो था 28 23 23 23 का बी का है सहभोजी सहभोजी जी ठीक लगा। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है, ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी अंतिम अपघटक, सी प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड की शीर्ष पर। क्या बोलते हैं? तो अंतिम अपघटक क्या आंसर होगा? जब मोर सांप खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े जब मोर सांप खाता है सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल अंतिम अपघटक होगा। ये डी वाला होगा, खाद्य पिरामिड की शीर्ष पर। सही है, शीर्ष मतलब ऊपर। हाँ ठीक है भी। अंतिम होता है खाद्य शीर्ष पर। तो बताओ कह रहे हैं कि अंतिम। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? 25 ए बलुआ पत्थर, बी ग्रेनाइट, सी संगमरमर, डी चूना पत्थर। बलुआ पत्थर। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? मेरा तो ऑप्शन बलुआ पत्थर हो सकता है। 25 तुम्हारा ग्रेनाइट लग रहा है मुझे। 25 संगमरमर है यार, लगाओ ट्रिक। दोनों लोग गलत हैं। 26 महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए मैग्नीशियम सल्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी मैग्नीशियम क्लोराइड, डी सोडियम क्लोराइड। 26 का डी सोडियम क्लोराइड सही है। क्या चीज़ क्वेश्चन है? महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। 27 राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें उपराष्ट्रपति सही होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में। 27 है ना। 27 का डी सही है, राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा है, लोकसभा थोड़े है। अट्ठाईसवां क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी बलुई मिट्टी। इसमें बी ऑप्शन सही है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। 28 है ना सही। आगे बढ़ो। 29 वाला। 29 क्वेश्चन, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उसे कहा जाता है प्रथम उपभोक्ता। सही में प्रथम चरण उपभोक्ता। हाँ अरे इधर से वो लगाओ, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, आंसर हो तब ना। पढ़ो पढ़ो। ए प्रथम चरण उपभोक्ता, बी द्वितीय चरण उपभोक्ता। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए प्रथम चरण उपभोक्ता, बी द्वितीय चरण उपभोक्ता, सी तृतीय चरण उपभोक्ता, डी उपभोक्ता। तो इसमें से सही ऑप्शन है ए प्रथम चरण उपभोक्ता। देख लो सही, ये तो सही मालूम है। क्वेश्चन नंबर 30, फ्लेग है विषाणु जनित बीमारी। ए विषाणु जनित बीमारी, बी कवक जनित बीमारी, सी जीवाणु जनित बीमारी, डी खनिज जनित बीमारी।
क्या चीज है? प्लेग है, प्लेग जीवाणु जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी। इसी तरह वीडियो देखने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद आप सभी।